रांची के उर्सलाइन कॉलेज के इंटर साइंस की छात्रा सिमरन ने रांची में टॉप किया है। पूरे झारखंड में इंटर की परीक्षा में सिमरन ने पांचवा स्थान प्राप्त किया है। राजधानी रांची में फर्स्ट पोजीशन पर है सिमरन का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उनके पिता फुटपाथ पर टोपी बेल्ट बेचने का कार्य करते हैं, लेकिन सिमरन ने इनके इस मेहनत को बखूबी समझा और कड़ी मेहनत कर 96.6% अंक प्राप्त कर राज्य में पांचवा रैंक लाया। अपने स्टडी के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, रेगुलर स्टडी करना चाहिए, मेडिटेशन भी करना चाहिए ताकि हम लोग जो भी पढ़े वो हम लोग का एक बार रिवाइज हो जाए। और कंटिन्यूअस स्टडी कभी भी नहीं करना चाहिए 8-9 आवर्स का, हमेशा ब्रेक ले लेकर स्टडी करनी चाहिए। कितने घंटों के बाद ब्रेक लेना चाहिए? मैम एटलीस्ट 1 आवर के बाद। जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में फूसरो नगर परिषद क्षेत्र के 5 नंबर ढोरी का रहने वाला सुशांत कुमार ने 482 अंक लाकर बोकारो जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सुशांत ने गणित में 100 में 16 अंक लाकर बेहतर प्रदर्शन किया। फूसरो का यह बेटा आगे यूपीएससी की पढ़ाई कर देश की सेवा करना चाहता है। मैं सुशांत कुमार, मैं अपने रिजल्ट का श्रेय अपने माता पिता, बहन और गुरुजनों को देना चाहता हूँ। मेरे पिता ईश्वरनंद प्रसाद गुप्ता की एक छोटी सी किराने की दुकान है और मेरी माता गृहिणी है। इसके पश्चात भी उन्होंने मुझे मेरे शिक्षा क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अभाव ना होने दिया। उन्हीं के नेतृत्व में मैंने यह रिजल्ट किया है। उन्होंने मेरा समय समय पर मार्गदर्शन और आत्मविश्वास बढ़ाया है और मैं अपना श्रेय उनको देना चाहता हूँ। मेरा आगे का लक्ष्य IIT है। देवघर के मधुपुर से हज यात्रियों का आज दूसरा जत्था कोलकाता के लिए 2 ट्रेनों से रवाना हुआ। सुबह लोकल से कुल 6,000 यात्री कोलकाता के लिए रवाना हुए, जबकि जन शताब्दी ट्रेन से 2 यात्री रवाना हुए। हज यात्रियों को रवाना करने के लिए हज कमेटी के सदस्य मुस्ताक अहमद, कांग्रेस नेता फयाज कैसर, मधुपुर स्टेशन से हज यात्रियों को सकुशल रवाना किया गया। बताते चले कि 25 जून को हज यात्रियों की पहली फ्लाइट है, जिन्हें कोलकाता से रवाना करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। दुमका कहने का तो झारखंड की उपराजधानी है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। दुमका के हटिया रोड में कीचड़ का अंबार लगा है। दुकानों की चारों ओर पीसीसी सड़क के ऊपर कीचड़ जमा है। बारिश होने पर हटिया परिसर बाढ़ के जैसा माहौल हो जाता है। दुकानों में पानी घुस जाता है और दुकानदार अपनी दुकान को समेटने में लग जाते हैं। वहीं हटिया परिसर में लगा शेड किसी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। इसको लेकर दुकानदारों ने कई बार बाजार समिति को इसकी जानकारी दी, लेकिन बाजार समिति टैक्स वसूलने तो जरूर आता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं करता। कीचड़ पूरा हो गया है, हम लोग का रोड एकदम जाम हो जाता है पानी पड़ने के बाद। ग्राहक आने जाने में तकलीफ, गरीब दुकानदार और हम लोग दुकानदार है, कैसे कमाएंगे खाएंगे? सफाई नहीं हो रहा है तो क्या खटाल का? हाँ, रसीद लगता है, चलाना लगता है। तो उसका जो रसीद है वो किस लिए कटता है? बैठने का सुविधा देने, सुविधा लेकिन सुविधा नहीं मिलता। दुमका जिले के जलमुंडी प्रखंड स्थित प्रखंड कार्यालय के समीप कांग्रेसियों ने एक दिवसीय धरना दिया। आरबी खातून ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है। और हमारे देश में जो अराजकता फैल गई है, हमारे राहुल गांधी जी को जो प्रताड़ित किया जा रहा है ईडी के माध्यम से, ये केस बंद हो चुका था और इसको फिर से उजागर कर उनको परेशान करने के मंशा से, सरकार की ये गलत मंशा है जिसके कारण हमारे राहुल गांधी जी को लगातार परेशान किया जा रहा है। इसी के विरोध में हम कांग्रेस जन इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो केस बंद हो चुका था इसको फिर से उजागर कर उनको परेशान करने की कोशिश